नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शब्द और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंटिनजेंसी लीडरशिप थ्योरीज के बारे में। इससे पहले के वीडियोस में हमने क्लासिकल थ्योरीज यानी क्लासिकल लीडरशिप थ्योरीज और बिहेवियरल लीडरशिप थ्योरीज को हम देख चुके हैं। उससे पहले हम मैनेजमेंट थ्योरीज के बारे में डिटेल में 10 वीडियोज बना चुके हैं और ये सब जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उसी की कड़ी में है। और आने वाले वीडियोज़ में हम लास्ट कुछ थ्योरीज बची हुई हैं लीडरशिप की, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम तीन बेसिक मेजर कंटिनजेंसी थ्योरीज के ऊपर डिस्कस करेंगे और चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं, मैं आपको बिहेवियरल थ्योरीज के बारे में बता चुका हूं और वहाँ पर बात होती थी कि लीडर जो है होते हैं वो बनाए जा सकते हैं, ट्रेन किए जा सकते हैं, पैदा तो होते ही हैं। वो क्लासिकल थ्योरीज की क्रक्स था कि लीडर्स पैदा होते हैं ना कि बनाए जाते हैं। और बिहेवियरल थ्योरी में कहा जाता था कि लीडर्स जो हैं उनके बिहेवियर्स के थ्रू बनाए जाते हैं, ट्रेन किया जा सकता है, उनको ट्रेनिंग अगर मिलती है बेहतर तो वो लीडर बन सकते हैं, इफेक्टिव लीडर बन सकते हैं। तो ये बात बेसिकली कही जाती थी बिहेवियरल थ्योरीज में। अब यहाँ पर कंटिनजेंसी या सिचुएशनल थ्योरी जो होती है, कंटिनजेंसी का मतलब होता है टू बी या और नॉट टू बी, यानी कि होगा या ना होगा, ऐसा कुछ होता है। कंटिनजेंसी का मतलब होता है सिचुएशनल। लीडर का कोई लीडरशिप का कोई फास्ट हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, नो बेस्ट वे। कहा जाता है कि कोई भी एक चीज़ को करने का कोई बेहतर तरीका या सबसे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता है। आपके सामने जो सिचुएशन होती है, आपके सामने जो प्रॉब्लम होती है, आपके सामने जो सर्कमस्टांसेस होती हैं, उनके बिहाफ पर आपको काम करना चाहिए, आपको वर्क करना चाहिए। तो यही यहाँ पर कहा जाता है कि लीडरशिप का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है और हमें अपनी सिचुएशन के हिसाब से, अपनी कंपनी की प्रॉब्लम्स के हिसाब से उनको टैकल करने के लिए अपने तरीके देखने चाहिए, खोजने चाहिए और उनको लागू करना चाहिए। ठीक है, तो ये बात कही जाती है बेसिकली कंटिनजेंसी थ्योरीज में। ठीक, तो ये बेसिक मैंने यहाँ पर क्रक्स बता दिया इसका। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं थ्योरीज क्या हैं। सबसे पहले हमारी थ्योरी है जिसका नाम है फिडलर्स कंटिनजेंसी थ्योरी। फ्रेड ई फिडलर नाम का एक थिंकर था, इसने ये थ्योरी दी थी और इसका टाइम फ्रेम वही 1950s के बाद का है। तो दीज सिचुएशंस कैन बी डिफाइंड ऑन दीज फैक्टर्स, यहाँ पर बताया जाता है कि इफेक्टिव जो मोस्ट इफेक्टिव लीडर्स होते हैं उनकी जो स्टाइल है वो डिपेंड करती है सिचुएशन के ऊपर। और ये सिचुएशंस जो होती हैं, सिचुएशंस के ऊपर फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स में क्या क्या हो सकता है, देखिए लीडर एंड मेंबर का रिलेशन कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका जो आपकी जो लीडरशिप थ्योरी है वो उस बात पर डिपेंड करेगी। उसके फैक्टर्स जो होते हैं ये होते हैं टास्क स्ट्रक्चर, उस कंपनी का टास्क स्ट्रक्चर कैसा है, कौन सा काम कौन करता है, लीडर्स पावर पोजीशन कैसी है, लीडर की जो है पावर पोजीशन कैसी है, वो बेहतर तरीके से लीड कर पा रहा नहीं कर पा रहा, उसकी लोग बात मानते हैं नहीं मानते, पावर उसकी डोमिनेंट है या नहीं है। ठीक है, कि जो बेसिक रिलेशनशिप्स उसके वर्कर्स के साथ कैसे हैं उसको देखने के लिए एक रेटिंग स्केल बनाया गया था जिसमें वर्कर्स अपने लीडर को और लीडर अपने वर्कर्स को रेट करता था, उसमें 0 से 8 के बीच में, और जिसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट LPC होती थी उसको इसमें समझाता कि उसके अच्छे रिलेशंस हैं अपने वर्कर्स के साथ में, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ में, अपने कलीग्स के साथ में। ठीक है, तो ये एक स्केल है ये टू अंडरस्टैंड द एटीट्यूड ऑफ अ लर्नर। ठीक, एटीट्यूड ऑफ अ लीडर, एक लीडर के एटीट्यूड को समझने के लिए स्केल बनाई जाती थी। तो ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है आपसे कहीं भी एग्जाम में। तो आपको ये इसका फुल फॉर्म तो याद रखिएगा, लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर एक स्केल है। ठीक है, LPC स्केल की बात करती है यहाँ पर, और 0 से 8 तक के बीच में से रेटिंग दी जाती है। तो ये भी याद रखिएगा, 10 नहीं याद, 0 से 8 तक की होती है। ठीक है, 8 तक होती है। चलिए इसके बाद में हम अगली थ्योरी देखते हैं जिसका नाम है पाथ गोल थ्योरी। नाम से पता चल रहा है यहाँ पर पाथ और गोल दो कीवर्ड्स यहाँ पर याद रखिएगा। दिस थ्योरी प्रोसेस प्रपोजेज अ लीडर शुड चेंज देयर लीडरशिप स्टाइल डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस। यहाँ पर बात कही जाती है कि एक जो लीडर है वो अपनी सिचुएशन के हिसाब से अपने पाथ को चेंज कर सकता है, अपने गोल को पाने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए अपने जो पाथ हैं, अपने रास्ते हैं वो बदल सकता है। किसी भी सिचुएशन को एक तरीके से नहीं पाया जा सकता है, किसी भी गोल को एक तरीके से नहीं पाया जा सकता है। मान लीजिए कि आप कुछ और तरीके से अपना गोल प्राप्त कर लेते हैं तो मुझे हो सकता है उस तरीके से अपना गोल ना मिले, आपका जो आपको किसी और तरीके से सक्सेस मिल सकती है और मुझे किसी और तरीके से सक्सेस मिलेगी। तो ये होता है, और ऑन द बेसिस ऑफ थ्री दीज फैक्टर्स, यहाँ पर भी फैक्टर्स बताए गए हैं। पहला फैक्टर हमारा सबॉर्डिनेट्स हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं, लीडरशिप स्टाइल्स हैं। तो ये सब सारे फैक्टर्स बताए गए पाथ गोल थ्योरी में। सर्कमस्टांसेस के अलावा यहाँ पर फैक्टर्स बताए गए हैं, सबॉर्डिनेट्स कैसे हैं, हमारे काम करने लायक हैं नहीं, उनकी कैपेबिलिटीज़ कैसी हैं, वो कितने स्किल्ड हैं, और हमारा इन्वायरमेंट किस तरह से हमको हेल्प कर रहा है नहीं कर रहा है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इंटरनल इन्वायरमेंट हो सकता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो सकता है, और इसके अलावा मोटिवेशन के फैक्टर्स कैसे हैं, कितने अच्छे तरीके से हम मोटिवेट कर पा रहे हैं अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने आप को, खुद को,
और लीडरशिप स्टाइल्स कौन कौन सी हम यूज़ कर रहे हैं और किस सिचुएशन में यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर पाथ ग्रोथ थ्योरी में मैटर करती हैं। और इसका जो डेवलपर था या फिर इसका प्रोपाउंडर था, उसका नाम था रॉबर्ट हाउस। 1971 में इसने ये थ्योरी दी थी। तो उम्मीद करता हूँ ये भी थ्योरी आपको समझ में आ गई। बहुत ही आसान थ्योरी है, कुछ इसमें जानने वाला ज़्यादा है नहीं, ठीक है। सब इस सब के सामने कंटिजेंसी लगा हुआ है, यानी कंटिजेंसी का मतलब यही होता है सिचुएशन में किस तरह से वर्क करेगी। लास्ट में आज की हमारी थ्योरी है लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी। ये बहुत अच्छी थ्योरी है। इसको इसका शॉर्ट फॉर्म LMX है, इसको बोलते हैं LMX। इसके अलावा इसका दूसरा नाम भी है वर्टिकल डायड लिंकेज थ्योरी। इसका इमर्ज हुई थी 1970s के आसपास में, ठीक है। और इसके प्रोपाउंडर का नाम यहाँ पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग थे इसमें। इट फोकसेज ऑन द रिलेशनशिप डेट डेवलप्स बिटवीन मेंबर्स एंड देयर टीम्स। यहाँ पर लीडर और मेंबर के बीच में जो रिलेशनशिप है उसकी बात यह करती है। एक्सचेंज उनके बीच में जो एक्सचेंजेस होते हैं, इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है, बाकी चीज़ों का एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान चीज़ों का होता है, उसके बारे में ये डिस्कस करती है। और यहाँ पर रिलेशंस के तीन स्टेजेस बताए गए हैं। पहली स्टेज है रोल टेकिंग। मेंबर ज्वाइन द टीम एंड मैनेजर्स असेस देयर एबिलिटीज़। मेंबर जो होते हैं वो टीम को ज्वाइन करते हैं, और जो लीडर्स होते हैं या फिर मैनेजर्स होते हैं उनकी एबिलिटीज़ को चेक करते हैं, असेस करते हैं, इवेल्यूएट करते हैं। इसके बाद होता है रोल मेकिंग। टीम वर्क ऑन द प्रोजेक्ट्स विद असेसमेंट कंटिन्यूज। असेसमेंट यहाँ पर कंटिन्यूज रहता है, लेकिन यहाँ पर दोनों ही मिलकर, मैनेजर और वर्कर्स मिलकर टीम वर्क करते हैं। यहाँ पर टीम वर्क करते करते यहाँ पर दो ग्रुप में डिवाइड कर दिए जाते हैं। जो वर्कर्स होते हैं या फिर जो मेंबर्स होते हैं उनको दो ग्रुप में बांट दिया जाता है। पहले होते हैं इन ग्रुप, दूसरे होते हैं आउट ग्रुप। इन ग्रुप का मतलब होता है वो लोग जो मेंबर के ज़्यादा, जो लीडर के ज़्यादा या मैनेजर के ज़्यादा करीब हैं, करीब वाले। और आउट ग्रुप होते हैं वो जो लीडर से थोड़ा कटे कटे रहते हैं, काम करते करते उनकी उनकी जो रिलेशन है वो उनसे अच्छे नहीं बन पाते हैं अपने मैनेजर के साथ, तो आउट ग्रुप वाले में ग्रुप में डाल दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं दो ग्रुप बनाते हैं, इन ग्रुप और आउट ग्रुप। आपको इन दोनों का बेसिक मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में तीसरा जो फैक्टर होता है, तीसरी स्टेज होती है, वो है हमारी रूटनाइजेशन की। यानी कि हम रूटीन में आ जाती हैं चीज़ें जो हम कर रहे हैं अभी तक, वो रूटीन में आ जाती हैं, हमारे कह सकते हैं आदत में आ जाती है, हैबिट में आ जाती है, हैबिचुअल हो जाते हैं उसके, और इस सिचुएशन के हैबिचुअल हो जाते हैं, और ये जो थ्योरी है वो अपने बेस्ट गोल पर आ जाती है, बेस्ट स्टेज पर पहुँच जाती है। इस तरह से जो हमारी कंपनी का वर्क है वो आसानी से हो जाता है, और लीडरशिप जो होती है, लीड करने का जो तरीका है, ये बहुत बेहतर तरीका माना जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और यही था ये वीडियो। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।